नॉ इन अर्बन एरियाज वी हैव नॉट ओनली डीलिंग विद द इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन सोसायटी बट आल्सो इट हैज सर्टन चैलेंजेस विच इज एक्चुअली बिलोंग टू द इन्वायरमेंटल एरियाज जिसे हम इन्वायरमेंटल चैलेंजेस भी कहते हैं और uh, जिसे हम नंबर uh, टू जो है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है दैट इज इकोनॉमिक चैलेंज सो बोथ आर द चैलेंजेस ऑफ द अर्बन सोसायटी

अर्बन uh, प्लेसेस के जो वेलफेयर एरियाज हैं या उसकी जो डेवलपमेंट है उसमें बहुत uh, जो है वो मुश्किल पैदा की हैं लाइक वी हैव द सिटीज ऑफ द पाकिस्तान जिसमें रीसेंट जो वायलेंस है uh, कराची के एरियाज में या जो नेबरिंग कन, उसके जो सिटीज हैं वहां पर हम इसकी जो रेट है वो देखते हैं हाई है बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स विच आर बिलोंग्स टू द सोसाइटी एंड दिस इज नॉट द इशू ऑफ द पाकिस्तान सोसाइटी बट वी हम ये सेम जो इश्यूज एंड प्रॉब्लम ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड देखते हैं आ, ये ना सिर्फ डेवलपिंग वर्ल्ड में मौजूद है बल्कि ये डिवेल्प वर्ल्ड में भी है कि जो डिवेल्प वर्ल्ड है वहां पे जो क्राइम है उसका जो टाइप है दैट इज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग वर्ल्ड सो डेवलपिंग वर्ल्ड में हम अगर देखते हैं तो द क्राइम ऑफ द सिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द द टाउन क्राइम सो हम वो भी देखते हैं कि जो पॉश एरियाज के जो अर्बन क्राइम है वो डिफरेंट है उन एरिया से जो कि लो इनकम ग्रुप जहां पर रहती है उसके क्राइम से सो दोज आर द एरियाज वेयर वी हैव पुटिंग द बेस्ट एफर्ट ऑफ द जो लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सिटी में अपना जो है वो रोल प्ले कर रही हैं सो so, अर्बन क्राइम एंड वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट अ सीरियस इम्पेडिमेंट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ये ग्लोबली भी है कि हम जो है हम देख सकते हैं कि इसको जितना सर्वेलेंस हमारी होगी क्राइम के लिए यानी उसको डिटेक्ट करने के लिए रोकने के लिए क्योंकि पीसफुल जो एरिया है या पीस जो वर्ल्ड है या पीस सोसाइटी है दैट इज द एरिया वेयर वी कैन से इज द एरिया वेयर वी कैन डेवलप लॉट ऑफ थिंग्स सो इकोनॉमिक डिवेल्पमेंट हो सोशल डिवेल्पमेंट हो या टेक्नोलॉजिकली डिवेल्प वर्ल्ड हो तो उसके लिए जरूरी है कि पीसफुल एन्वायरमेंट हो so uh, those are actually the uh, issues and problem of the uh, urban places. but uh, now we will discuss uh, uh, the challenges of the urban world. of uh, all, we are uh, actually dealing with the, uh, the environmental challenges. the most important environmental concern now is the climate change. millions of people could suffer hunger, water shortages, and coastal flooding as the world warms. सो क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द एरिया विच एक्चुअली इज द मोस्ट कंसर्न ऑफ द सोसाइटी ऑफ द ग्लोब जो है हम फेस कर रहे हैं एंड वाई बिकॉज ऑफ द सर्टन इशूज एंड प्रॉब्लम ऑफ द अर्बन प्लेस सो जब हम इश्यू एंड प्रॉब्लम देखते हैं तो उससे हमें चैलेंज मिलता है कि एयर पोल्यूशन हो गया आ, आ, वो उसने क्लाइमेट में कैसे कंट्रीब्यूट किया यानी टेम्परेचर राइज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आ, अर्बन जो आइलैंड बना आ, उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया लोकली और उसने रीजनल एंड ग्लोबल उसका इम्पेक्ट हो गया सो so, हम देखते हैं कि ये जो वर्ड है जिसे हम अर्बनाइज वर्ड कहते हैं इसमें जो वन ऑफ द चैलेंज दी the climate change. so this starts from the uh, local phenomena and then contribute to the regional and it uh, become a global issue. so poorest countries and people who are most vulnerable to threat will suffer the most. current form of urbanization are pushing the lowest income group uh, of the people into the locations that are prone to natural hazards. सो मोस्ट ऑफ द एरिया विच आर प्रोन टू द हेजर्ड आर द एरियाज विच बिलोंग्स टू द लो इनकम ग्रुप यानी जहां पर कम आमदनी वाले लोग रहते हैं वहां पर जो है अरबन uh, जो डिजीजेज हैं वहां पर ज्यादा होंगी जैसे हम देखते हैं कि जो शेंटी टाउन्स हैं या स्लम्स हैं वहां पर अरबन डिजीजे ज्यादा हैं या वो डिजीज एरियाज हैं वहां क्राइम भी ज्यादा होगा सो इट मीन्स के जो वर्नलेबर एरियाज हैं वहां पर हमें जो है वो ज्यादा चैलेंजेस मिलते हैं नाउ इन डेवलपिंग कंट्रीज फोर आउट ऑफ एवरी टेन नॉन परमानेंट हाउसेस आर नाउ लोकेटेड इन एरियाज थ्रेटन बाय अर्बन फ्लड्स अर्बन फायर लैंडस्लाइड्स एंड अदर नेचर हैजर्ड्स सो सेम इज द केस विद द डेवलपिंग नेशंस जैसे हमने स्लम्स की मिसाल दी कि डेवलप्ड एरिया में स्लम्स में जो है वो प्रोन टू हेजट है प्रोन टू तो डिजास्टर है तो सेम इज द केस विद द डेवलपिंग वर्ल्ड के जो वर्ल्ड है उसमें जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहां पर हमें ज्यादा डिजास्टर मिलते हैं वहां अर्बन क्राइम भी होगा वहां अर्बन फायर भी मौजूद है अर्बन फ्लडिंग भी है वी है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लाहौर के हम वी आर फेसिंग एवरी ईयर द अर्बन फ्लड सो दो आर द एक्चुअली डिप्रेशन ऑफ द सिटीज यानी वहां पर जो है वो नशेब बने हुए हैं वो वाटर से फिल हो जाते हैं और वहां से जो है पंपिंग स्टेशन नहीं है वहां पर ड्रेन्स नहीं है सो इन फ्यूचर ये जो चैलेंज है अर्बन फ्लड का लाहौर का इसे हम सोल्यूशन में ला सकते हैं कैसे कि वहां पर जो है वो पंपिंग स्टेशन बनाए जाएं और ड्रेन्स बनाए जाएं ताकि वो जो डिप्रेशन है उसको विकेट किया जाए और सीजनल जो हैजर्ड बन जाता है ये ये फिर कम हो सके Now the second major environmental concern is the long term increase in the use of fossil fuel, the global use of oil and an uh, energy source has promoted uh, urbanization so this is one of the major areas of the environmental concern the use of the fossil fuels any yani, uh, energy co uh, generate karne ke liye, fossil fuels uh, use je say कोल uh, के को यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल इस्टेबलिशमेंट्स uh, में के लिए uh, इसी तरह से ऑयल को यूज किया जाता है फॉर द जनरेशन ऑफ द नॉट ओनली द इंडस्ट्रीज बट आल्सो वो जनरेट करती है व्हीकल्स uh, uh, की मोबाइल uh, सोर्स को के लिए भी सो दोज आर एक्चुअली द एरियाज वेयर वी आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैसेज सो ये फॉसल फ्यूल की यूज से मिशन uh, बढ़ गई ग्लोब की और इस तरह से uh, हम इज वन ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न और वन ऑफ द चैलेंज ऑफ द अर्बन वर्ल्ड सो इन द अर्बन प्लेस वी हैव टू एरियाज विच आर फेसिंग द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस वन बिलोंग्स टू द लो इनकम ग्रुप जिसमें हम ये स्लाइड में देख रहे हैं दिस इज वन ऑफ द स्लम्प ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड यानी शांति टाउन है जिसे हम यहां पर कच्ची आबादियां कहते हैं वहां पर डम्प्स हमको मिलेंगे जो सीवरेज है वहां Um, uh, वो सीवरेज लाइन सही नहीं है यानी नेटवर्क जो है उनके बेहतर नहीं है हाउस कंडीशन जो है इज नॉट सुटेबल फॉर लिविंग बट जो लोग हैं यहाँ पर जो पर किलोमीटर जो स्केयर पॉपुलेशन है दैट इज वन ऑफ द डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द लो इनकम सोसाइटीज या जो अर्बन सेंटर है वहां पर जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है वो शांति टाउन्स का होता है सो so, वहां पर हाइजेनिक कंडीशन अच्छी नहीं है फूड सिक्योरिटी नहीं है एजुकेशन इन्वायरमेंट बेहतर नहीं है पर कैपिटा इनकम लो है पर कैपिटा कंजम्पशन लो है सो so पर कैपिटा जो वहां पर रेट है राइस का वो भी कम है सो दोज आर एक्चुअली द चैलेंजेस ऑफ द स्लम्स ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड नाउ दिस इज वन ऑफ द एरिया विच आर एक्चुअली अंडर द डिवेलप रीजन और हम ये डिवेलपिंग एरियाज में भी देखते हैं जैसे दिस इज दिटी ऑफ चाइना पॉपुलस कंट्री है वन ऑफ द पॉपुलर सिटी ऑफ चाइना है ये बट इट इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस सो जैसे हम स्लम्ब्स की मिसाल देते हैं सेम इज द केस विद द डेवलप्ड एरिया अर्बन सेंटर की भी हम दे सकते हैं कि यहां पर जो है इसकी मिशन में ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ गई और उससे जो है वो जो पॉपुलेशन है वो सफर हो रही है उसके लंग्स उसकी थ्रॉट की डिजीजे वहां पर जो है स्किन कैंसर और इवन जो है वो नॉइज पोल्यूशन की वजह से उनका जो लेवल ऑफ लिसनिंग है वो भी बढ़ गया है so, सो इस तरह से वहां पर जो एग्जाम्पल हमने दी कि डेवलप्ड जो अर्बन सेंटर है या अंडर डिवेल्प्ड अर्बन सेंटर है बोथ हैव प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस ऑफ द री वर्ल्ड सब अर्बिया इज एक्चुअली द नेबरिंग एरिया ऑफ द सिटी सो डिपेंडेंट अपॉन द प्राइवेट कार बियॉन्ड दाईवर द इंटायर ग्लोबल इकोनमी रेस्ट ऑन द पॉसिबिलिटी ऑफ द मूविंग बोथ पीपल एंड गुड्स क्विकली चीपली एंड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस सो वी हैव यहां पर एग्जाम्पल ये दे रहे हैं हम सब अरबिया है आ, वो साइड ऑफ द सिटी में जो डिवेलप्ड uh, रीजन होते हैं यानी जो हाई इनकम ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं जिनकी जो लैंड वैल्यूज हैं वो हाई होती हैं वहां से डेली लोग मूव करते हैं पैसेंजर्स uh, की सूरत में भी मूवमेंट होती है गुड्स की सूरत में भी मूवमेंट होती है तो दिस इज एक्चुअली द हैबिट ऑफ द अर्बन प्लेस के जो आ, वहां पर प्राइवेट ओन्ड व्हीकल्स हैं वो बढ़ जाएंगी और इस तरह से आ, दी जो डिस्टेंट रेजिडेंशियल एरियाज हैं उनको लिंक करने के लिए आ, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम बना सकते हैं सो दिस इज वन ऑफ द एरिया वेयर गवर्नमेंट कैन पोर्ट इज बेस्ट एफर्ट के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आ, वो एयर पोल्यूटेंट्स को कम करती है एज कंपेयर टू द प्राइवेट ओन्ड व्हीकल्स